बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चना चाट, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इमली की चना चाट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने लिए हैं 1 पाव चने, जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया था, 4 से 5 हद मैंने आलू लिए थे, जिसको मैंने बॉईल करके क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और 1 से 1.5 कप मैंने लिए है इमली का पानी। मैंने इमली को पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया था 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसकी सारी गुठलियों को निकाल लिया था और फिर इसका सिर्फ पानी रह गया हमारे पास। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें पानी, इसकी सारी गुठलियाँ मैंने निकालनी थी। इसके अलावा हमें चाहिए टमाटर, 1 टमाटर लिया मैंने और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 बड़ी प्याज ली थी मैंने और इसको भी मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और नमक के साथ मैंने धो के रख लिया था ताकि इसकी करवाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ली थी मैंने और इसको भी मैंने बारीक काट लिया। 1/2 कप मैंने हरा धनिया लिया है। 1/2 कप मैंने लीमू का पानी भी लिया है। 1/4 चाट मसाला हम हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। नमक भी हम हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे और लाल मिर्ची पाउडर भी हम हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। देखिए, अब हमने ये बाउल ले लिया, अब हम इसमें डालेंगे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लीमू का पानी। अब हम इसमें डालेंगे हसबे ज़रूरत नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप बेशक लाल मिर्ची पाउडर मत डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1 मसाला। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। ताकि हमारी सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हमारी जो चना चाट है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको एक दूसरे बाउल में निकालेंगे और इसकी फाइनल लुक में। अब हमने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डालेंगे। और थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी चना चाट जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमारी इमली की चना चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की इमली की चना चाट बनी है। उम्मीद है आप सबको ये चना चाट ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।